आप सभी लोगों को जिस ताकत के साथ आपने सुखवंत सिंह जी को समर्थन दिया है, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अपने चुनाव में भी रजगढ़ में आया था, इसी मंदिर में आशीर्वाद लिया था। मैं तो चुनाव जीता ही था और आज आशीर्वाद के बाद भाई सुखवंत सिंह जी भी यहाँ से चुनाव विजय करने वाले हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आज राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ पर काफ़ी विकास के कार्य हो रहे हैं। आपके समय जब कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे तो आपको पता रहता था कि कांग्रेस के विधायक आपके फ़ोन भी नहीं उठाया करते थे, लेकिन भाई सुखवंत सिंह आपके बीच में है, फ़ोन नहीं होता, आपके घर पे ही आपको मिला करेंगे। मैं जब सांसद बना तो मेरे को ये कहा गया कि अभी तो रामगढ़ में एक सामुदायिक भवन बनना चाहिए और हमने तुरंत ही मेवात विकास बोर्ड से 10 लाख रुपए की राशि मंजूर करवा के आपके यहाँ भवन भी स्वीकृत करा दिया। लेकिन विकास के रास्ते केवल यहाँ तक नहीं है। महिलाओं को महिला मेवात विकास बोर्ड से वो भी गया स्वीकृत। भूपेंद्र यादव जिंदाबाद। महिलाओं की आर्थिक आय बढ़ाने के लिए महिला बचत गटों के माध्यम से हम लगातार कार्य कर रहे हैं और हमारी राजनीति का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य महिलाओं का विकास, उनकी आर्थिक ताकत को बढ़ाने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाना और नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि रसगढ़ को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप सुखवंत सिंह जी को अपना विधायक बनाएंगे, आपको इस चीज़ की बिल्कुल कमी महसूस नहीं होगी। क्योंकि आज लंबी बात करने का समय नहीं है, लंबी बात करने के साथ ही साथ आज जो सबसे बड़ी बात है कि मेरे को आगे मुंबई के लिए निकलना है, इसलिए समय कम है। लेकिन कुछ चीज़ें तो हमारे यहाँ रहती है, अब स्कूल खुल गया है तो बच्चों की साइंस की क्लास होनी ही चाहिए। उसके साथ ही साथ यहाँ पे लगातार हम लोगों ने देखा है कि सड़क की जो दिक्कत है उसके कारण सरकारी बसों की भी दिक्कत रहती है। इन सब चीज़ों को पूरा कराने का काम भाई सुखवंत जी विधायक बन के सबसे पहले रसगढ़ गांव में करेंगे। तो भाई बताओ, मैं आपके विश्वास के आधार पे भाई सुखवंत सिंह जी को विजय की माला पहना दूँ, पट्टा पहना दूँ, तो भाई बड़ी माला से काम चल जाएगा। बड़ी माला में लो, पहले तो अपनी पहना दूं माला, दोनों हाथ ऊंचे करो, बोलो भारत माता की, भारत माता की, बोल लालदास महाराज की। भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद, सुखवंत सिंह जिंदाबाद। मैं हमारे मंत्री संजय जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनकी तरफ से, जया ओझा जी की तरफ से, सब नेताओं की तरफ से कहूँगा भाई सुखवंत जी को कि आपका आभार और धन्यवाद दें ताकि हम आगे के लिए चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।